हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से आप सभी के साथ हूँ एक नए पैटर्न लेकर। ये पैटर्न देखिए, आप किसी भी कार्डिगन में दे सकते हैं, काफी प्यारा लगेगा। आप यदि लॉन्ग स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें और भी अच्छा लगेगा, तो आप देख लेंगे आपको कहाँ ये देना है। बट ये पैटर्न काफी प्यारा है, तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम पैटर्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, प्लस 3। जितने भी आपको फंदे चाहिए वो 11 के मल्टीपल मिलेंगे, उसमें प्लस 3 ऐड कर लेंगे तो ये पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा और ये 12 रो में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसमें देखिए, मैंने 25 फंदे ली हूँ, 11 प्लस 11 प्लस 3। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये फर्स्ट लाइन देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और यहां से देखिए एक फंदे को ऐसे टर्न करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से बनाएंगे और यहां से हम फिर 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे सीधा बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1, 2। इसके बाद यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, बट ये 3 फंदों का जो एक फंदा करेंगे वो कुछ प्रोसेस अलग से है, अलग टाइप से है। वो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद ये 2 फंदों को हम बुन लेंगे सीधा और स्लिप किए हुए फंदे को ऊपर से हम ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो यहां से देखिए एक्स्ट्रा वाला फंदा छोड़कर और ये 2 फंदों का एक फंदा छोड़कर, ये बीच में हमारा ये और ये छोड़कर, यहां से जो 10 फंदे की 2, 4, 6, 8 और ये 10, इतनी बुनाई हमारी जो है हो गई। बस यहां से एक फंदा एक्स्ट्रा, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। ये 11 फंदे की बुनाई हम बार बार रिपीट करेंगे। यहां से देखिए फिर यहां पर एक फंदा हो गया, अब अगले 10 फंदे हम कैसे बुनेंगे वो देखिए। 3 फंदे बनाए, अब यहां से 5 फंदा सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2। फिर यहां पर 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से, तो दोनों साइड में हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और बीच में जितने पैटर्न आएंगे वो इस तरह से हम 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए यहां पर ये 3 फंदे का ये एक फंदा आया है, ये और ये, और दोनों साइड में हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे साइड में, और ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट रो इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं हम थर्ड रो में। पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहां पर 2 फंदों का एक फंदा, पहले फंदे को टर्न कर लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और ये 3 फंदा। 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहां से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो पहला फंदा हम, तो ये देखिए पहले यहां से ये हमारे 11 फंदे की बुनाई हुई है, एक्स्ट्रा वाला फंदा छोड़कर 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। ये 11 फंदे की बुनाई हम बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर आगे देख लीजिए, ये 3 फंदों का यहां पर बीच में आ रहा है, तो यहां पर हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा का एक फंदा बनाएंगे और स्लिप किए हुए फंदे को हम ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अब फिर यहां से अब हम अगले पैटर्न की तैयारी, यहां से 11 फंदे, एक फंदा मेरा ये हुआ 3 फंदों का एक फंदा वाला और यहां से फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4 फंदा, धागा आगे करेंगे और 3 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2 और 3। इस पैटर्न का में आपको सिर्फ सीधी साइड से आपको ध्यान देना है। आप यदि थोड़ा बनाना चाहते हैं तो साथ साथ में बनाएंगे तो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 3 फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे,
ये लास्ट का फिर हम दो फंदा एक साथ बुन लेंगे, दो फंदों का एक फंदा, देखिए इस तरह से, और फिर ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा इसे हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई, फोर्थ रो हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर फाइव, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और यहां पर दो फंदों का एक फंदा, सबसे पहले फंदे को टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे और यहां पर तीन फंदा फिर सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमारे यहां पर फंदे घटते जा रहे हैं, दो फंदों का एक फंदा, पांच चार और यहां पर तीन, एक दो और ये तीन, और ये जाली बनाने के बाद यहां पर फंदे बढ़ रहे हैं, पहले यहां एक बनाए फिर तीन हुआ, अब ये पांच होगा, पांच फंदे बुनेंगे जाली बनाते हुए, एक दो तीन चार और ये पांच। अब देखिए ये जो 11 फंदे की बुनाई हुई, इन फंदे को बार बार रिपीट करना है, दो चार छ आठ दस, यहां से दो चार छ आठ दस, फिर धागा आगे करेंगे, ये 11वां फंदा यहां पर बन जाएगा और यहां पर फिर तीन फंदों का एक फंदा हम बना लेंगे। देखिए यहां पर 10 फंदा हुआ, अब ये देखिए इस तरह से हम जाली बनाते हुए यदि बनाते हैं तो यहां पर 11वां फंदा बनकर तैयार हो जाता है, यहां से इस तरह से देखिए आप, ये दो चार छ आठ दस और ये 11 फंदे हो गए। अब यहां से फिर हम दूसरे पैटर्न के लिए काउंट करेंगे, तो एक फंदा हुआ और यहां से फिर अब हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन फंदा, धागा आगे करेंगे और पांच फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदा, फिर धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा और ये लास्ट का एक्स्ट्रा वाला फंदा, इस तरह से देखिए इस तरह। तो हमारा इस तरह से रो नंबर फाइव कंप्लीट हुआ। रो नंबर सिक्स हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर सेवन, इस रो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस रो में थोड़ा सा यहां पर बदलाव आने वाला है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और फंदे को टर्न करके यहां पर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो। अब यहां पर जो जाली है वो ध्यान से देखिएगा, एक फंदा धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से देखिए यहां पर जाली बन रहा है, धागा आगे करेंगे और पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदा। अब यहां पर हम तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा एक साथ बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो यहां से देखिए तो ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है, दो चार छ आठ दस और ये ग्यारह, ये 11 फंदे की बुनाई हमें बार बार रिपीट करनी है। तो ये पहला फंदा हो गया दूसरे पैटर्न के लिए, दो सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए पांच फंदे हम सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए यहां पर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है रो नंबर सेवन कंप्लीट हुआ और रो नंबर एट हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर नाइन, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फंदे को टर्न करके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और तीन फंदा हम सीधा बुनाएंगे, जाली बनाते हुए तीन फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए यहां से हम चार फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार फंदा। अब यहां पर से हम तीन फंदों का एक फंदा, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा इस तरह से बुनेंगे और स्लिप के हुए फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से देखिए 11 फंदा है, ये एक्स्ट्रा वाला फंदा, दो चार छ आठ दस और ये 11, इस 11 फंदे की बार बार हम बुनाई करेंगे। रो नंबर 11, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फंदे को टर्न करके इस तरह से और दो फंदों का एक फंदा हम बनाएंगे,
धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए यहां से हम पांच फंदा सीधा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदा। धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। एक, दो और ये तीन। अब यहां पर तीन फंदों का एक फंदा, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा एक साथ बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए यहां से यहां तक ये 11 फंदे की बुनाई हुई, 2, 4, 6, 8, 10, 11। इसी 11 फंदे की बुनाई हम बार बार आगे रिपीट करेंगे। तो दूसरे पैटर्न के लिए पहला फंदा हुआ, अब यहां से धागा आगे करेंगे और यहां से पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदा। धागा आगे करेंगे और तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे। यहां से जाली बनाते हुए तीन फंदा, एक, दो और ये तीन फंदा। यहाँ दो फंदों का एक फंदा और एक्स्ट्रा वाला फंदा, इसे हम बैक लूप से सीधा बुन। रो नंबर 11 अपनी कंप्लीट हो गई। अब रो नंबर 12 हम उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 12 कंप्लीट करने के बाद ये देखिए पैटर्न बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से, इसी 12 रो को बार बार रिपीट करना है आगे और पैटर्न को आगे बनाते जाना। तो अगली पैटर्न हम कैसे स्टार्ट करेंगे ये हम एक बार बता देते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फंदे को टर्न करेंगे, एकदम पहली लाइन फर्स्ट रो हम देखिए बता रहे हैं। इसमें दो फंदा एक साथ और यहां से पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदा। फिर धागा आगे करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदा सीधा बुन लेंगे। एक, दो। अब यहां पर तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा एक साथ और ये इस तरह से। तो देखिए यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 और 11। ये 11 फंदे की बुनाई हम फिर बार बार रिपीट करेंगे और 12 लाइन फिर से हम इसी तरह से रिपीट करेंगे और पैटर्न को आगे बनाते जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको पैटर्न कैसा लगा। यदि पैटर्न आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।